हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताती हूँ जो आपने बहुत कम देखा होगा। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट का नाम है लॉलीपॉप प्लांट, क्योंकि जो इसके ऊपर ये फूल हैं ऐसे डंडी के ऊपर ना लंबे लंबे चल जाते हैं, तो इनकी शक्ल लॉलीपॉप से मिलती जुलती है, इसलिए इसको लॉलीपॉप प्लांट बोलते हैं। और ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप इसको जो है कहीं भी लगा लें, ये अपने आप से जो है ना बहुत अच्छे से चल जाता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। और इसको जो सबसे पहले आप बताऊँगे कि इसको हम रखें कहाँ, ये बेसिक फ्लावर प्लांट है लेकिन ये जो है इंडोर भी चल जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको आप जो है अपने उसमें रख सकते हो अंदर किसी जगह पे, लेकिन इसको ब्राइट लाइट चाहिए, अंधेरा बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको आप जो है अपने किसी खिड़की के नीचे या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको ना खूब लाइट मिलती हो, तभी ये चलेगा, नहीं तो इस पर फूल नहीं आएंगे। वैसे प्लांट ठीक रहेगा। और बाकी इसके जो मिट्टी है वो वही मिट्टी, वेल ड्रेन्ड मिट्टी इसकी, जो हम दूसरे पौधों में डालते हैं। रेत मिला हुआ ज़्यादा होना चाहिए इसमें, और खाद जो है मिला के जो हम मिट्टी बनाते हैं। और इसको जो पानी का ये है कि पानी इसके अंदर वो कम नहीं डालना इसके अंदर, अगर ये एक बार पानी मुरझा जाएगा ना तो दोबारा से ये प्लांट जो है ना सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और इस प्लांट पे फूल जो है पूरे साल तो नहीं कहूँगी, 2-3 महीने सर्दियों के छोड़ के नवंबर दिसंबर जनवरी, तो और पूरे साल ही ये फूल देता है। और ये जो प्लांट है इसको आप ज़मीन में लगा दे तो काफ़ी ऊंचा लंबा हो जाता है, और ये गमले में भी अच्छा चलता है। और इसके जो प्लांट, इसकी कटिंग जो लगानी बहुत आसान होती है, इसको लगाना एक इसकी डंडी तोड़ी और आप इसको लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन भी लगा अगर है तो लगा लें, और नहीं है तो थोड़ी सी दालचीनी के पाउडर में इसकी एक टहनी निकाल के आप लगा दें, और वो भी नहीं है तो आप हल्दी के अंदर ही डाल के लगा दें इसको। और इस प्लांट को जो है आप धूप में बिल्कुल भी ना रखें। और इसको इसके पत्तों से ये लगता है ना, आपको देखो कितने इसके ब्राइट सुंदर से पत्ते हैं। और इसमें कई रंगों के फूल आते हैं, येलो कलर का भी आता है और भी आते हैं, मेरे पास ये रेड कलर का है। अब ये बारिशों में ये थोड़े से इसके झड़ गए हैं फूल, नहीं तो ये पूरा भरा हुआ था। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, और ये पेरिनियल प्लांट है जो कि पूरा जो है ना आपको एक बार लगाने के बाद पूरे आपको लगा ही रहेगा। ये नहीं कि आपको इसको हर साल लगाना पड़ेगा या इसको जो है बार बार इसको आपको ये सूख जाए लगाएंगे। अगर सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर रखेंगे तो ये सूख जाएगा, बाकी ये पूरा अपने आप ही इसकी जो है ग्रोथ होती रहेगी। बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस कभी कभी एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दो, या आप वो अपना लिक्विड खाद बनाते हो किचन वेस्ट से, या दूसरे कोई वर्मी कंपोस्ट या सरसों खड़ेरिए मिला के वो इसमें आप डालते रहें। और इसको ज़्यादा बहुत किसी खाद वाद की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप इसकी कटिंग भी कर दें। और इसको जब भी स्टार्टिंग में लगाते हैं ना छोटे गमले में ही लगाएं, क्योंकि छोटे गमले में उसकी रूट्स जो है ना अच्छे से बन जाती है, बड़े गमले में रूट अच्छे से नहीं बनती। किसी भी कटिंग को आप जब तैयार हो जाती है प्लांट बन जाता है, नर्सरी से छोटा प्लांट लाते हैं छोटे गमले में लगाएं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा प्लांट है, पूरे साल आपको ये फूल देगा। और सिर्फ 2-3 महीने छोड़ जाए तब सर्दियों के फूल आ जाते हैं, तो आपका गार्डन जो है हरा भरा रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।